हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, प्रेस करें बेल आइकन ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आपके पास। एसडी ऑटोमोटिव सर्विस सेंटर का तलत आरा बेगम एवं रजिया सुल्ताना ने फीता काटकर किया उद्घाटन। बाजार समिति स्थित एनएच 57 पर राधे राधे के निकट एसडी ऑटोमोटिव सर्विस सेंटर का उद्घाटन तलत आरा बेगम एवं रजिया सुल्तान ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। इस अवसर पर प्रोप्राइटर शहबाज अली खान एवं दानिश खान ने बताया कि हमारी इस एसडी ऑटोमोटिव सर्विस सेंटर पर दोपहिया एवं चारपहिया गाड़ियों की गाड़ी के अंदर और बाहर सभी तरह के काम अनुभवी कर्मियों द्वारा बेहतर से बेहतर सुविधा के साथ ग्राहकों को देना हमारी पहली प्राथमिकता होगी। हमारी पहचान, हमारी सेवा और व्यवहार ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। श्री खान ने बताया कि वाजिब शुल्क पर हमारे यहाँ सेवाएं दी जाएंगी, जिसमें कार एवं बाइक की वॉशिंग, पीपीएफ इंस्टॉलेशन, सनरूफ इंस्टॉलेशन, स्टार लाइट रूफ, गाड़ियों पर स्टिकर, कलर्स इत्यादि कई तरह की गाड़ी से जुड़े कार्य किए जाएंगे। शहबाज अली खान ने कहा कि मिथिला का जो पहला सर्विस सेंटर होगा जहां एक साथ एक ही जगह पर गाड़ियों से जुड़ी कई कार्य किए जाएंगे, यह वही सेंटर है। एक बार यहां आकर सेवा का अवसर दें। इस मौके पर डिप्टी मेयर नाजिया हसन, पार्षद शत्रुघ्न प्रसाद यादव, नारद यादव, पार्षद सोनी पूर्वे, वसीम आलम, राशिद रजा खान, पूर्व मुखिया अमजद अब्बास, कैसर खां, इखलाक अहमद, मोहम्मद सदरी आलम, सनाउर रहमान, मोहम्मद अब्दुल सलाम, रियाज कादरी एवं शहर के गणमान्य लोग मौजूद थे। हमारा बेसिकली अभी गैराज पर्पज का ऑल वन स्टॉप सोल्यूशन करके हमने स्टार्ट किया इसको। यहाँ जो भी कस्टमर्स आएंगे उनको गाड़ी मैकेनिकल वर्क से लेके डेंटिंग, पेंटिंग, एसेसरीज, पार्ट्स, कस्टम पार्ट, कस्टम एसेसरीज, सीट, इंटीरियर, एक्सटीरियर, मतलब गाड़ी के जो भी छोटे से बड़े काम हैं सारे हम उनको प्रोवाइड करेंगे। और दरभंगा के आप बिहार के लेवल पे ये बेस्ट सर्विस और बेस्ट प्राइस पे देंगे। सर बहुत सारे शौके कस्टमर होते हैं जिनको मॉडिफिकेशन कराना है, हम लोग वो लीगल टर्म पे मॉडिफिकेशन करके देंगे उनको। जैसे है कि टोटल गाड़ी का वेट 3% से ज़्यादा भर नहीं सकता, नहीं घट सकता, हम इसमें भी आपको मतलब उसमें अच्छे से अच्छे मॉडिफिकेशन करके देंगे। आप किसी को होता है कि उनको गेट चाहिए होता है, चेंज कराना है, जैसे अच्छी अच्छी गाड़ी आती है प्रीमियम में, जैसे लंबोर्गिनी हुई है, उनका गेट होता है सीजन गेट होता है, तो वो आप छोटी से छोटी मारुति सुजुकी की अल्टो में भी लगा सकते हैं, वो सब काम आपको देंगे। जैसे बहुत सारी गाड़ी होती है जिनमें सनरूफ नहीं आती है तो वो हम लोग करके दे सकते हैं। कैंडी जैसे पेंट वर्क रिक्वायरमेंट जो भी होगा हम उसको फुलफिल करेंगे, कस्टमर रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करके उनको जो चीज़ चाहिए वो हम करके देंगे, बेस्ट प्राइस पे बेस्ट चीज़ करके देंगे। और जो भी काम अगर जो हमारे पास नहीं होगा वो हम अभी ला रहे हैं, और भी बहुत कुछ ला रहे हैं जो कि बिहार के लिए बहुत कुछ नया होगा और बहुत ही यूनिक होगा। हमारा एड्रेस NH 57 नियर बाजार समिति, नियर राधे राधे। बहुत मेरे बेटा ने स्टार्ट किया है, मैं यही दुआ करती हूँ कि ये काफ़ी तरक्की करे और उनको कामयाबी मिले। ये सर्विसिंग सेंटर है जिसमें बहुत चीज़ें हैं, वॉशिंग है प्लस पॉल्यूशन है और बहुत सारा वर्क है। तो हम लोगों ने अपने अकॉर्डिंग बिहार में पहला इस तरह का वर्कशॉप स्टार्ट करवाया है, मेरे बेटा ने किया है, और बाकी अब इसमें जितनी तरक्की हो अल्लाह जितनी तरक्की इसमें दे, हम लोगों की कोशिश है कि अच्छे से अच्छा रहे, जो भी गाड़ी आए, जो भी काम हो उसमें सेटिस्फैक्शन हो, ये मेन तो वो है, उसको सेटिस्फैक्शन होना चाहिए तभी ये आगे जाएगा। बहुत बहुत मुबारकबाद के लिए अल्लाह इसमें उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की दे, यही हम लोगों की ख्वाहिश है और आगे काम को और आगे बढ़ाए। देखिए ये एक्चुअल में फायदा क्या पता है वो बताइए। जो दो इंजीनियर्स का एक कोलैबोरेशन है, एक मैकेनिकल है, एक डिज़ाइनिंग है, और बिहार में इस तरह का वर्कशॉप डिटेलिंग एक्चुअली में इनका जो फोकस रहेगा हाउ टू डिज़ाइन द 4-व्हीलर एंड 2-व्हीलर्स, तो 2-व्हीलर और 4-व्हीलर को किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। आज लोगों का शौक बहुत बढ़ गया है तो जो गाड़ी आती है एजेंसी से उसमें भी डिज़ाइनिंग किया जाता है, बहुत सी चीज़ लगाई जाती है, बहुत सा पार्लर्स भी खुला हुआ है, तो उस तरह की चीज़ यहाँ पर होगी कि उसको किस तरह से डिज़ाइन किया जाए, उसके चक्कों को कैसे डिज़ाइन किया जाए, उसके बॉडी को कैसे डिज़ाइन किया जाए, ये सबसे पहला काम फोकस इसी पर है। उसके बाद डेंटिंग है, पेंटिंग है, स्पेयर पार्ट्स है, सर्विसिंग है, वॉशिंग है। वॉशिंग तो नॉर्मली हर जगह हो रहा है, आप लोग भी देख रहे होंगे, लेकिन इस तरह का वॉशिंग दरभंगा में आपको कहीं नहीं मिलेगा, तो ये पहली चीज़ है जो दरभंगा के लिए है। हम कहेंगे कि मिथिलांचल का ये गौरव है और हम सब मिथिलांचल वासी इन दो बच्चों को
पूरी तरह से प्रोत्साहित करें ताकि ये अपनी जीवन को एक अच्छा माने बेस्ट फ्यूचर इन लोगों का हो और लोग भी इसको देख करके लगाए।